जी अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहि सलाम मदर, वेलकम बैक टू सखी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? तो सुनाए जी, तबीयत, सेहत, नियत। आज का जो व्लॉग है ना, वो आप लोगों को मैंने दिखानी है चीज़, बहुत ज़रूरी चीज़, और जो कमेंट्स में पूछना है आप लोगों से कि बताएं कैसा लगा। तो जाना कहीं है नहीं, सफ़र शुरू होता है, यहीं रहें, थोड़ा थम जाएं। आए चले। सो फाइनली आई एम इन द कार। सफ़र का आगाज़ किया जाता है, बाकी कुछ सीन्स हैं वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। मैं ज़रा अभी गाड़ी घर से बाहर निकाल लूँ, ये पता नहीं किसने मेरी पेंट्स रख दी है। सो चल, क्या आप लोगों को बताऊँ, बोरियत का समय है, थोड़ा सा काम पड़ गया था। ये फ़िलहाल मैं कैंट में हूँ, ये मुल्तान का कैंट है, ये मैकडोनल्ड्स और स्वीट आइसक्रीम है यहाँ पर, ये डबल चीज़ है। और वैसे कैंट में अलाउ नहीं है वीडियो बनाना, जहाँ तक मुझे खबर है, लेकिन यहाँ पे अभी चेक पोस्ट उन्होंने ख़त्म कर दिया। सॉरी, वो वाकई आर्मी वाले खड़े हुए थे, तो उन्होंने बोला कि यार आप यहाँ पे फ़ोन नहीं यूज़ कर सकते। मैंने कहा ओके ठीक है। वैसे आज मैं हूँ अकेला, साथ तो कोई है नहीं, और सख्त वाला मैं इतना बोर हो रहा था कि क्या बताऊँ। आज का व्लॉग ऐसे समझो कि बोरिंग डे इन अ लाइफ। हूँ मैं अभी कैंट में, पता नहीं, एक तो ये मेरा ना वाइपर गाड़ी का ही ख़राब हुआ है, तो थोड़ा सा गुजारा करो आप लोग। ये देखो, ये है मुल्तान का कैंट, जो कि अब रह गया है। वैसे क्या मार्केट चाचू, अच्छा ये है नहीं इतना कुछ खास अब यहाँ पे। वैसे बहुत ज़्यादा बोर है, ये देखो कोई शॉप्स वगैरह रश नहीं है। पहले होता था कैंट का कि मज़ेदार, पता चले यार कैंट है, लेकिन अब आज बहुत बोरिंग डे है, बहुत सख्त वाला बोरिंग डे है, मैं आप लोगों को क्या बताऊं। लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को कुछ दिखाना था, वो मैंने सोचा आप लोगों को मैं दिखाऊं। पर ज़िंदगी के सफ़र में ना कठिनाइयां बहुत हैं, मैं क्या करूं यार। आपका ये जो लाडला बेटा है ना, मतलब लाडला भाई ही कह लो, ये जो आपका लाडला भाई है ना, क्योंकि मैं तो पापा था लाडला बेटा हूँ ना, तो फिर क्या यार। अब ये देखो, अब मैं क्या कहूँ इनको, इतनी स्लो बाइक चला रहा है कि पिकनिक पे भाई कैंट का मेन रोड है, बंदा इन्हें क्या बोले कसम से। एक तो अजाब पता है क्या है, मेरा ना पैकेज नहीं है, क्योंकि मेरा फ़ोन नॉन पीटी है, और मेरे दूसरा फ़ोन भी मेरे पास है नहीं जिसके पैकेज होता है, जिसका मैं यूज़ करता हूँ लाइक इंटरनेट। तो अब अजाब ये है, मैं किसको कॉल करूं, मैं कहां जाऊं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। निकला हुआ मैं बाहर हूं, या मुझे काम था फैमिली का, तो मैं इधर आ तो गया, अब स्टक इन अ ट्रैफिक। तो आप लोग मेरे साथ साथ प्लीज़ यार बोर होते रहिए। देखें, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, ज़रूरी नहीं है यार ब्लॉग में ना हम कुछ बहुत एंटरटेनमेंट दिखाएं। कभी कभी ज़िंदगी में कुछ ऐसा दिन भी आता है जब आपके पास कुछ नहीं करने को होता, पर उस नहीं करने में भी आप अल्लाह का शुक्र अदा करो, और जिस तरह लाइफ गुजर रही है वैसे लाइफ गुजारो। तो ट्राइंग माई बेस्ट, स्टक इन अ ट्रैफिक, बट वाओ। चाचू चूचू मुझे देखते हैं कि लौंडा करके रहा है गाड़ी में। अब यकीन मानो गाड़ी रुकी हुई है चौथे गियर पे, मैं आप लोग ये चला रहा हूँ क्योंकि ये मैनुअल है। पर इतनी मोहब्बत है मुझे आपसे, अगर आप लोग फिर भी मुझे सपोर्ट ना करो तो ये बहुत गलत बात है ना। लेकिन चलो मुझे थोड़ी सी ट्रैफिक का ये क्रॉस करने दो, क्योंकि अगर ऐसे मैं बात करता रहा तो ये तो मैं खड़ा ही रहूँगा। तो थोड़ा सा आगे पहुँच के अभी एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, चलते हैं यार। इधर ही लगा होगा कि आपका लाडला भाई कोई बहुत दूर दराज पहुँचा है और अब आप लोगों से बात करेगा, तो ये अभी तक यहीं धक्के खा रहा हूँ मैं ट्रैफिक में, ट्रैफिक जा नहीं रही है, आई डोंट नो व्हाई। एक तो ये मेरी जो फ्लैश लाइट है ना फ़ोन की, ये भी ऑन नहीं हो रही, लगता सारे आज दुखी दिन हालत देख रहे हो मेरी ना। मैंने बीड बनवाई हुई है, आप लोगों के सामने भी ना कोई व्लॉग मेडिटिंग ना कोई कुछ, भाई जैसे होता है ऐसे आपका भाई आपके सामने आ जाता है, क्योंकि हमने बात करनी है आप लोगों से जैसे हम लोग हैं, कोई बन ठन के नहीं, आई एम दिस आई एम दैट, यूं यूं फलाना ढमकाना, ये हमसे होता नहीं है भाई, सादा से बंदे, अल्लाह का शुक्र अदा है। तो कौन कहता है कि सिर्फ लाहौर इस्लामाबाद में इधर ट्रैफिक है, भाई जान ये मुल्तान देख रहे हो आप लोग कितनी गाड़ियां हैं, कौन कहता है कि ये छोटा सा शहर है, देखो कैसे अमीर अमीर लोग फिर रहे हैं भाई जान। लेकिन जो मुझे सारे देख रहे हैं ना, थोड़ा सा कुछ होता है, लेकिन खैर है, अपने को क्या पड़ी है,
अपने को तो बस यार एक जगह जा रहा हूँ ना, गुजरेगा ऐसे ही अभी तक ट्रैफिक में। ठीक है, मैंने हाल ही की कोई मुल्तान से जो जो व्लॉग देख रहा है ना वो समझ जाएगा कि इसने रोड चेंज किया भाई। मैं पहले कैंट रोड पे था, मैं ये इधर मुल्तान में जगह है देरा अड्डा, मैं उस रोड पे हूँ। तो मतलब जो देख रहा होगा समझ जाएगा कि यार इसने रोड चेंज किया, लेकिन जहाँ पे भी जाओ इतनी आज ट्रैफिक है। मुझे लग रहा है कि सारा आज व्लॉग या निकलेगा मेरा ट्रैफिक में, या तो जो मैंने आप लोगों को दिखाना था ना मैं नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि क्या करूं मैं जहां से भी जा रहा हूं हर जगह यही देखो ये बंद है, या तो मैं ना दिखा रहा हूं ना तो मैं आप लोगों को भूलूं भाई। इसे कहते हैं ट्रैफिक, अब क्या कर सकते हैं यार, बहुत सख्त बोर हो रहा हूं। चलो गाना सुनते हैं, आप गाना तो सुना दो कहीं। चलो मैं सुनाता हूं, जाने तुझे इस्तग़फार या अल्लाह, ये सुनने से पहले मेरे कान मर क्यों नहीं गए। वो भी हंस रहा है जा छक्के। अच्छा क्या करें यार, क्या करें क्या, अब मुझे बताओ मैं कहाँ जाऊँ। साथ कोई होता बंदा शुगर लगाता है, अकेला बंदा क्या शुगर लगाए, किससे बात करूं, कहाँ जाऊं, मर जाऊं। इस्तग़फार यार, अलायरी में ले दो यार मुझे वहां से टायर वाली शॉप से। वो देखो इतने मजे मजे के लायरे में पड़े हुए लेकिन महंगे बहुत हैं। चलो अब ये फिर मैं खड़ा ही हूँ, अब और क्या कर सकता हूँ, करता हूँ लेकिन मैं आप लोगों से मजीद बात। ये देखो मैं इधर उस रोड से निकलता हूँ, इस वाली लाइन में आ जाता हूँ, एक ये लाइन है, दूसरी वो, तीसरी वो, चौथी वो, जहाँ पे फॉर्चूनर खड़ी थी। ठीक है अब मुझे बताएं मैं क्या करूँ, क्या कर सकता हूँ, क्या ही कर सकता हूँ। आगे फ्लाई ओवर आने वाला, अल्लाह करे वहां पर रश ना हो। चलो चल रहे हैं, जिंदगी का सफर रहे, आप लोग भी मेरे साथ रहो, मैं भी आप लोगों के साथ हूँ, दिखा रहा हूँ सारा साजो सामान। वो देखो डाला ये भाई जान, क्या जिंदगी है, क्या जिंदगी है, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। ओहो कुछ मामलात नजर आए हैं, मैं आप लोगों से थोड़ी देर तक आके फाइनली थोड़ा सा रोड खुला है, और मैंने जो आप लोगों को फ्लाईओवर का बोला था ना वो मैं अभी अभी मतलब फ्लाईओवर पे चढ़ा हूँ। ये देखें वो सामने आप लोगों को नजर आया, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, और ये देखें इजंट इट कूल, प्यारा है ना। तो अभी अब हम लोग जा रहे हैं, और शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह अभी रोड खुला है। यार यकीन मानो एक तो मैनुअल गाड़ी का ना, जितने भी मैनुअल जो चलाने वाले हैं उन्हें पता है कितना अजाब होता है ट्रैफिक में। ब्रेक क्लच रेस उफ थक गया हूँ मैं कसम खुदा की। ऑलमोस्ट मुझे 2 घंटे हो गए हैं इस ट्रैफिक में फंसे हुए, 2 घंटे से ज़्यादा ही मुझे हो गए हैं। और मज़ीद अब मुझे लगता है कि फ्लाईओवर से उतरते हुए जो स्टेट बैंक ऑफ है ना इसके साथ ही मुझे लगता है कि अभी भी जो है वो ट्रैफिक स्टक है। वो देखो शायद आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये देखो ये मैं आप लोगों को करीब से दिखाता हूँ, ये है स्टेट बैंक। ये देखो और बाकी ये आपका लाडला भाई, यू नो सो इसे कहते हैं ये आ गए, ये रेस्क्यू वाले जा रहे हैं। आई डोंट नो, मुझे लगता है कि आज कुछ है कोई, या तो कहते हैं मतलब जज वगैरह कोई आया हुआ होगा बड़ा, या कोई बड़ा सियासतदान, आई डोंट नो। पर इतनी ट्रैफिक आज से पहले कभी ब्लॉक नहीं हुई कि मैं इतनी देर मुल्तान में लाइक खड़ा रहूँ, बल्कि इधर की मतलब मेरी ड्राइव अच्छी है, मैं रश में भी ईजिली निकाल लेता हूँ, लेकिन आज मौका ही नहीं मिल रहा था कहीं निकालने का। ये देखो ये अब अभी ये निकाल रहा है, लेकिन अब मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो अब मैं कैसे निकालूँ, लेकिन चलो लेट्स सी। एक तो गियर चेंज नहीं कर सकता ना, यू नो मैनुअल अजाब, लेकिन ओके अब रोड खुला है तो सारी मुकाबलेबाजी में गाड़ी चलाऊँ क्या करूँ। एक ऑल्टर तो गई बाबा ब्रो, ये भी गया, वो बड़ी गाड़ी है यार, पर कोशिश कर रहा हूँ। ये देखो जगह नहीं मिल रही, जगह मिले भी तो कैसे मिले, क्या करूँ, गियर कैसे चेंज करूँ, एक ही सिंगल हाथ गियर पे चला रहा हूँ। चलो खैर है आप लोगों के लिए, और मैं क्या बच गए, ओए अब इशारा लगा दिया लौंडे ने। चलो इतना काफी है भाई, इतना काफी है, ठीक है, इतना
सही है, समझा करो आप लोग भी यार ये गेर देखना कौन सा अच्छा यार ठीक है, चलो आप लोग खुश हो जाओ यार, मैं यहाँ से उतरूंगा फिर मैं। ओके 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 डन, चलो अब जो थोड़ी देर एक जगह पे पहुंचने दो ना, ये जा रही है वैसे वो ठीक है, हूँ अभी भी देखो मैं साथ साथ ही, यहाँ भी मैं क्रॉस मार सकता हूँ और ये क्रॉस बच भी रहा है ठीक है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, चलो मैं थोड़ा सा आप पहुंच जाऊँ यार, मेरे हाथ में भी दर्द शुरू हो गया कसम खुदा की, बाकी के अभी आप लोग साथ साथ ही रहो, क्यों मैं धक्के खा रहा हूँ आप लोग नहीं खा सकते, आप लोग तो बैठे हो घरों में सुकून से, कोई कहाँ होगा कोई कहाँ होगा, देखो यहाँ पे खज्जल तो मैं ही हो रहा हूँ ना, लेकिन एटलीस्ट डू सपोर्ट मी यार। थोड़ी देर रुका हूँ मैं मोमोज पे, ट्रैफिक इतनी थी ना कि आप लोगों के सामने था और जो चीज़ दिखानी थी वो तो मैं दिखा पाया नहीं हूँ, लेकिन अभी भी सीन ये है कि ये नूरा बैठा है, ये फादी है, ये बच्ची है, ये मोमोज है, ये मोमोज का बार है ठीक है, वो फैमिली हॉल है सामने, लेकिन वहाँ पे हमें अलाउ नहीं है क्योंकि वो उधर आज मेरे साथ फैमिली नहीं है, मुझे ये लोग घुसने ही नहीं दे रहे अपने साथ, मतलब जहाँ पे भी जाऊँ इज्जत नहीं है मेरी, दांत निकाल रहा है मनहूस मारा, चलो है थोड़ा सा दिखा दो आप लोगों के मैं मोमोज, मुझे लगता है याद तो नहीं किया बड़वा, नहीं ये नहीं है, अच्छा खैर ये फैमिली हॉल, ये जिसने माशाल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह इस्तगफार, अच्छा ये मोमोज ये बार वगैरह, आज का जो बोल रहा था अभी इतना मैं थका पाऊँ ना, पहले तो बहुत सख्त ड्राइव की है, लेकिन अभी कुछ हैं सीन्स बाकी के वो मैं साथ साथ दिखाता हूँ, थोड़ा सा मैं टांगे शांगे सीधी कर लूँ, ये देखो बाकी के सीन्स पे वगैरह भी खेल ली, मोमोस वगैरह भी खा लिए और थोड़ा सा चलो ट्विस्ट ट्विस्ट हो गया, ये भी आ गया नूरा, हेलो गाइस हाउ आर यू, कहाँ था सुबह से भाई, भाई काम धंधे मसरूफियात जिंदगी, भाई जान ये भी मेरी तरह लगता है आपका लाडला भाई है, बोरियत आप लोगों के सामने थी, कुछ करने को था नहीं तो बस फिर मैंने कहा बाहर लूर लूर फिरने से अच्छा है, क्योंकि पता नहीं आज क्या हुआ था मुल्तान को, मैंने आप लोगों को खैर कुछ दिखाना था आज काफ़ी ज़रूरी, लेकिन वो कोई बात नहीं अगले ब्लॉग में दिखा दूंगा, तो अभी और छोटे मोटे थोड़े से काम हैं वो कर लूँ, फिर से जा रहा हूँ मैं कैंट की तरफ, तो ट्रैफिक फिर आप लोगों के सामने ही है, पता नहीं आज मुझे लगता है कोई यार कोई आया हुआ शायद आज आया नहीं हुआ, आज वैसे कहते हैं प्रोटेस्ट था एक, हाँ। जिसकी वजह से ना मुल्तान में हर जगह पुलिस है, प्रोटेस्ट किस चीज का ये पीजीसी वाला, पीजीसी व्यू के हवाले से, अच्छा पीजीसी के हवाले से आज था मुल्तान में प्रोटेस्ट, इस वजह से क्योंकि कैंट है सारा आर्मी एरिया तो ये जजेस एरिया ये इस वजह से सारा बंद था, यार गियर तो चेंज कर, समझ रहे हो समझ रहे हो समझ रहे हो ना, तो बस फिर इस वजह से थोड़ा सा ये वाला सिनेरियो हो गया, ये रश अभी भी आप लोगों के सामने ही है ठीक है, तो मैं तब से ड्राइव भी कर रहा हूँ साथ साथ एक हाथ से चला भी रहा हूँ और बहुत सारे मामलात हैं, ज़िंदगी का सफ़र है बहुत तवील है, अभी हम लोगों ने और बड़ा कठिन सफ़र करना है, तो चलो अभी तो ज़िंदगी की शुरुआत की है आप लोगों के साथ, अभी तो ज़िंदगी की खैर वाकई शुरुआत है, अभी बहुत सारे आगे व्लॉग्स आएंगे, बहुत सारे इन्जॉयमेंट होगा, अभी तो मैं ये आज
मेरा ब्लॉग का मकसद ये था कि मैंने वाकई आज आप लोगों को एक चीज़ दिखानी थी, काफ़ी ज़रूरी चीज़ थी। यार इधर से चलता हूँ, जैसे फिर रश होगा। तो लेकिन मुझे नहीं पता था कि प्रोटेस्ट है और ये क्या सीन होगा, तो इस वजह से आज का मेरा ब्लॉग थोड़ा सा रह गया। लेकिन अभी ये कि मज़ीद बहुत सारा मज़ा रहता है। फ़िलहाल के लिए इजाज़त दें, ठीक है, क्योंकि अभी अब थोड़ा सा है फैमिली टाइम, रात हो गई है और अब ज़रा मैंने फैमिली को पिक करना है। तो होपफुल आप भी मेरी तरह बोर हुए होंगे जैसे आज मैं हुआ हूँ, लेकिन मैंने कोशिश तो की है यार। बाकी गाइस डू सपोर्ट मी और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थोड़ा सा वॉच टाइम मेरा उठा दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर देना और हो सके तो वीडियो मेरी लाइक भी कर देना। और इसी तरह दुआओं में मुझे याद रखना। बाकी अल्लाह हाफ़िज़, हमेशा खुश रहें, मुस्कराते रहें। या